नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं सुपर फोर के दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए हारा भारत। महेंद्र सिंह धोनी ने खुद बताया वो बड़े कारण, जिसे सुनकर हिल जाएंगे आप। जी हां दोस्तों, बात करेंगे इस बेहद ही बड़ी खबर की, देंगे आपको पूरी जानकारी। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, हार का सबसे बड़ा कारण आखिर कौन, कमेंट में अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर फोर का दूसरा मुकाबला खेला गया। टीम इंडिया से इस जीत के लिए काफी अच्छी उम्मीदें थी और प्रबल दावेदार थी टीम इंडिया, लेकिन फिर भी अंतिम के ओवर तक गए इस मुकाबले में टीम इंडिया को हार नसीब हुई। 5 विकेट से इस मुकाबले को पाकिस्तान टीम ने अपने नाम किया। मैच के लिए सबसे पहले बाबर आजम ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया था। भारतीय टीम की ओर से बल्लेबाजी में विराट कोहली ने शानदार 60 रन की पारी खेली, लेकिन कोई और बल्लेबाज कुछ खास कमाल कर नहीं पाया। शुरुआत काफी अच्छी थी, रोहित शर्मा ने 16 गेंदों पर 28, तो वहीं केएल राहुल ने भी 20 गेंदों पर 28 रन की पारी खेली। हालांकि इनके अलावा कोई और बल्लेबाज खासा योगदान दे नहीं पाया। सूर्य कुमार यादव ने 13, ऋषभ पंत ने 14, तो वहीं दीपक हुड्डा 16 और हार्दिक पांड्या 0 पर आउट हुए। एक छोर को संभालते हुए विराट कोहली ने 44 गेंदों पर 60 रन की पारी खेली थी। 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाकर टीम ने पाकिस्तान के सामने 182 रन का टारगेट रखा। 182 रन के लक्ष्य के जवाब में उतरी पाकिस्तान टीम की शुरुआत काफी शानदार थी और जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आई पाकिस्तान, उसने मुकाबले को अपने नाम किया। मैच के लिए बाबर आजम ने हालांकि 14 रन का योगदान दिया। मोहम्मद रिजवान ने 51 गेंदों पर 71 रन की पारी खेली। इस तरीके से मोहम्मद नवाज ने 20 गेंदों पर 42 रन ठोक दिए। कुशदिल शाह ने 11 गेंदों पर 14, तो वहीं आसिफ अली ने अंतिम की 8 गेंदों पर 16 रन की पारी खेली। इफ्तिकार अहमद ने 1 गेंद पर 2 रन की पारी खेल अंतिम ओवर में मुकाबले में जीत दिला दी। अंतिम ओवर अर्शदीप को दिया गया। ओवर की पहली गेंद पर चौका लगा और टीम को जीत के लिए 6 गेंदों पर 7 रन की दरकार थी। इसके बाद ओवर की दूसरी ही गेंद पर बड़ी सफलता मिली, तीसरी गेंद डॉट हो गई, लेकिन अंतिम ओवर की चौथी गेंद पर इफ्तिकार अहमद ने 2 रन लिए और इस तरीके से टीम पाकिस्तान को जीत मिली। अब ऐसे में दोस्तों, भारत की हार के सबसे बड़े कारण निकल कर आए। महेंद्र सिंह धोनी काफी गुस्साए दिखाई दिए। मैच हारने के बाद पाकिस्तान से महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि भारतीय टीम की गेंदबाजी में सुधार की जरूरत। टीम इंडिया ने बल्लेबाजी क्रम में भी कुछ खास योगदान नहीं दिया था, लेकिन विराट कोहली की तारीफ करनी होगी। विराट कोहली के दम पर ही टीम इंडिया एक शानदार स्कोर बनाने में सक्षम हो पाई थी, लेकिन इसके बाद गेंदबाजी में अटैकिंग गेंदबाजी कोई भी गेंदबाज करता हुआ दिखाई नहीं दिया। पहले मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया था, जिसके चलते टीम ने मुकाबले को अपने नाम किया। इस मैच में सबसे महंगे साबित हुए भुवनेश्वर कुमार, 4 ओवर गेंदबाजी करते हुए 40 रन दे दिए। तो वहीं हार्दिक पांड्या ने बेशक एक सबसे बड़ा विकेट लिया हो, लेकिन वे भी काफी महंगे साबित हुए। अर्शदीप, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार जैसे गेंदबाजों से बाउंसर की उम्मीद थी, लेकिन इस मुकाबले में अटैकिंग बाउंसर डाली नहीं गई, जिसके चलते मुकाबले में पाकिस्तान टीम के बल्लेबाज हावी होते हुए नजर आए। मुझे लगता है कि गेंदबाजी क्रम में काफी ज्यादा बदलावों की जरूरत, चयन ठीक से नहीं हुआ, जिसके चलते भी टीम इंडिया को हार मिली। बल्लेबाजी में भारतीय बल्लेबाज अपनी योग्यता को अच्छे से बुन नहीं पाए, जहां पर ऋषभ पंत को टीम में मौका दिया गया, इससे अच्छा दिनेश कार्तिक को ही उतारा जाना चाहिए था। इसके साथ ही हार्दिक पांड्या अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पाए और एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हुए आउट हुए। विराट कोहली ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने भी गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट थमाया। मुझे लगता है कि टीम इंडिया काफी ज्यादा घमंड में आ चुकी थी और उसे लगा कि वे इस बार भी जीत हासिल करेंगे, जिसके चलते उन्हें हार मिली। मैं उम्मीद करता हूं कि टीम इंडिया अब नेक्स्ट मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन करेगी। क्या पता ग्रुप 3 में एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला देखने को मिले। ऐसे में दोस्तों, काफी बड़ी बात बोलते हुए नजर आए महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन आप इस खबर के लिए क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।